एक और खेल हो रहा है, ये तेजस पे पीएम बैठे, खैरातियों की तो लग रहा पिछवाड़े में आग लग गई। मैं अभी देख रहा था बड़े पैमाने पर खलियारों ने पीएम मोदी के उस, और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, वो जो बड़बोली प्रवक्ता उसकी है, कि आसमान में किसको ऐसे ऐसे टाटा कर रहे हो। मोदी कहां कहां आग लगाते हैं सर। ये एक वीडियो पीएम ने साझा किया, प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से है, उसके बाद ये वायरल हुआ। इसी तेजस के खिलाफ ये सब लगे हुए थे, इसी का एकदम से एक तरह से सम्मान करते हुए रक्षा मंत्री ने इसकी पूजा की थी। प्रधानमंत्री यहां ऐसे बैठे, खुद वीडियो जारी किया। आग तो देश के दुश्मनों को लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री के इस एक्शन से भारत के पासपोर्ट रखने वाले, भारत का इलेक्शन कमीशन का कार्ड रखने वालों को आग क्यों लगी सर? मनीष जी, पहले तो ये जो अभी आप दिखा रहे वीडियो कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने टाटा किया उड़ते हुए हवाई जहाज में, उसका ये लोग मजाक बना रहे हैं। तो मैं फिर वही कहूंगा, मतलब वही पहली और वही आखिरी टिप्पणी होती है मेरी कि ये अपना इलाज आगरा के पागल खाने में जाकर करवाएं। ये जिस बात को लेकर ये मजाक बना रहे, ये जो मोदी इस समय टाटा कर रहे हैं कि मोदी हवा में किसको टाटा कर रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे कोई पूछे कि मोदी तो टाटा कर रहे हैं और पायलट के अलावा मोदी बैठे हैं इनके जहाज में, मोदी का वीडियो कौन बना रहा था, मोदी का वीडियो कौन बना रहा था? इन पागलों से पूछना चाहता हूं, इन 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 मंद बुद्धियों से, इन कम अकलों से कि मोदी, अरे वो एक साथ में जहाज और उड़ रहा था बिल्कुल बगल ही में, और उसके पायलट, उसमें बाकायदे पूरी टीम थी। तो जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने नरेंद्र मोदी को ना टाटा किया होगा, नमस्कार किया होगा, तो मोदी उनको जवाब दे रहे थे। अन्यथा वो जो कंकाला टाइप की, जो सूप नखा के बाद एक दूसरी को सही पूतना कह लीजिए, सूप नखा तो एक हो चुकी, एक जो पूतना है आजकल, वो प्रवक्ता के रूप में जो जो भगवान कृष्ण को खिलाफ आई थी, वो जो पूतना टाइप की एक प्रवक्ता है, तो जी उसकी जो बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा उसको जरा अपना इलाज करा लेना चाहिए जाके आगरा के पागल खाने में, कि मोदी उनको टाटा कर रहे थे जो वीडियो बना रहे थे जो दूसरे जहाज में थे। और जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री है तो वो तो वो प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, टाटा करेंगे, तो मोदी उनको जवाब दे रहे थे। तो इस बुद्धि इतना बता देती, जब ये बात कर रही थी तो ये भी पूछ लेती, बता देना चाहिए था कि वीडियो कौन बना रहा था, हवा में आकाश में कौन बना रहा था वीडियो। तो पागल है, और ये पागल नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के चक्कर में इनकी उद्दी बुद्धि से हार गई है। प्रभु जी आपको दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले, इनका अंत बड़ा बुरा होना है मनीष जी, बहुत बुरा होना है। अब देखिए, ये विश्लेषण करना, और मैं सतीश जी से इसीलिए कहवाना चाह रहा था कि सतीश जी का कहने का अपना स्टाइल अलग है, कि कैसे ये लोग सर परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि अच्छा ये मोदी भारत का प्रधानमंत्री पागल है क्या, हवा में ऐसे ऐसे कर रहा है। ये एक तरह से इस देश के, दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सुप्रीमो का, प्रचंड बहुमत से चुने गए हमारे प्रधानमंत्री का, एक तरह से एक है ना कि पप्पू बना देने का, जिस तरह से वो षड्यंत्र होता है। आपने हाँ बड़ी मैं, शानदार तरीके से कहा कि वो वीडियो कौन बना रहा था, इन चिरकुटों को समझना पड़ेगा, और इसे कौन इतना बेहतर से समझा। और ये इसीलिए कहता हूं कि आप निरुत्तर, हमारे व्यूअर्स निरुत्तर हो जाएंगे, जब वो खलियर खराती अपने शो में मजाक उड़ाता है, सनसनीबाज जब मजाक उड़ाता है, वो दाढ़ी वाला जो चिरकुट जो है, हाथ मसलने वाला, जो सतीश सर कहते हैं कि वो शौच करके जो है हमेशा उसी कंडीशन में होता है, लगता है हमेशा शौच ही कर रहा होता है। अब तो सर बन चुका है उज्ज्वला से, तो उस बीवी को, उसकी बीवी को नहीं मिल पाया होगा वैसे, मगर पहले से उसके पास होगा। तो ये सब पता नहीं 24 घंटे कुर्सी पर शौच ही कर रहे थे, ये दरअसल इन सब की बदकिस्मती है। ये कांग्रेस दफ्तर में बैठ करके बिस्कुट वाली कंपनी के मालिकों को ठगता था कि नोएडा से विधान संसद बनवा दूंगा, कांग्रेस की टिकट दिलवा दूंगा, इन सब पर इख्तियार करते थे। आज फिर मेरे एक बचपन के उस दोस्त से आज बहस हो रही थी, मैं इसलिए साझा करूं फिर, ये सबके सब कहते कि नहीं, ये कांग्रेस बदल रही है, कांग्रेस अपने आप को समझ रही है, इन सब के खेल को समझिए। ये उसके साथ वही खड़े होते हैं जिनको और लगता है कि कुछ ना कुछ एजेंडा होना। जी बता दूं मनीष जी, इनको तेजस पे आग क्यों लगी हुई है, बहुत बहुत संक्षेप में बताता हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा, कि इनके आग इसलिए लगी कि जो तेजस पे नरेंद्र मोदी घूमे और जो तेजस प्रदर्शन कर रहा है इस समय पूरी हाँ, दुनिया बस में, यही मैं उसकी वजह से इनका मुंह काला हो रहा है कांग्रेसियों का। बताता हूँ उसका कारण क्या है मनीष जी। ये तेजस बनाने की योजना 1982 में बनी थी, जब राहुल गांधी की बिल्कुल दादी जिंदा थी, 1982।
और 1982 से लेकर 1998 तक कुछ हुआ ही नहीं, खाली योजना बन गई, बस खाली योजना बन गई कि एक एक कॉम्बैट एक लाइट ए, 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 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए तो HAL बनाएगा, ये 82 बनी, 98 तक कुछ नहीं हुआ। जो अटल जी आए तो उन्होंने पूरा प्लान बना के इसका उत्पादन शुरू करने का पूरा तैयारी कराई। 2004 में उनकी सरकार चली गई लेकिन तैयारी हो चुकी थी, HAL इतना सक्षम हो गया था कि HAL ने उस जहाज को बनाना शुरू किया और 2009 में तेजस बनके तैयार हो गया। जरा ये खेल समझिए, तेजस बनके तैयार हो गया और उसका जो ट्रायल परीक्षण था हवाई जहाज का वो भी उसने पास कर लिया 2009। 2009 से 2014 तक क्यों नहीं बना? 2009 से 2014 तक इसलिए नहीं बना क्योंकि वो राफेल आएगा कि जर्मनी वाला आएगा कि अमेरिका वाला आएगा, उससे दलाली आ रही थी। तो अगर तेजस बनाने लगते तो जो बाहर से खरीदने में माल आता है वो माल मिलना बंद हो जाएगा, ये समस्या है। इसीलिए कांग्रेस के समय में, क्योंकि 600 करोड़ का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था, नरेंद्र मोदी ने 16,000 करोड़ कर दिया उसको। तो तेजस को ये 1982 से 2014 तक लटकाए रखा इन्होंने, आने नहीं दिया। समझिए, अटल जी ना आए होते तो शायद उसका जन्म ही ना होता, और नरेंद्र मोदी जी आते ही सबसे पहले तेजस को ध्यान दिया था। तेजस मेरा ख्याल से पहला तेजस 2016 में बनकर तैयार हो गया था। आज पूरी दुनिया में तेजस की डिमांड हो रही है और नरेंद्र मोदी, जरा इनको मनीष जी इन पागलों को समझाओ, दर्शक समझ लें ये कितने पागल हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी को क्या शौक है जहाज पे घूमने का? अब बताता हूं कि नरेंद्र मोदी इस जहाज पे गए क्यों थे। उस तेजस को जिसकी दुनिया में धूम मचना शुरू हुई है उस पर नरेंद्र मोदी के बैठ के उड़ान भरने का मतलब आप समझिए कि पूरी दुनिया में संदेश चला गया तेजस के लिए कि तेजस इतना सुपीरियर क्वालिटी का फाइटर प्लेन है कि भारत का प्रधानमंत्री उस पर उड़ा। और आप समझिए कि नरेंद्र मोदी की उस फ्लाइट का परिणाम यह होगा कि तेजस की मार्केटिंग और जबरदस्त तरीके से होगी पूरी दुनिया में। बिल्कुल, और इसीलिए मैं इस रखना चाह रहा था कि देखिए बहुत अच्छे तरीके से जो आपने बताया, जो कि भाई जब वो बादल को टाटा कर रहे थे, पूरा खैरातियों ने गंद मचा दिया है, इसीलिए मैंने लास्ट में ये इस सब्जेक्ट को जोड़ा कि इस पर परसेप्शन जो काटा जाए कि हवा में बादल को प्रधानमंत्री कैसे कर रहे हैं। अरे चिरकुट, उस फाइटर प्लेन में कैमरामैन फाइटर प्लेन में नहीं बैठा, उसमें नहीं बैठा हुआ था, दूसरे में बैठा हुआ था। पीएम जानते थे कि कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है तो ये फ्रेम आपके और हमारे तक पहुंचेगा, तो देश के गौरव को दिखा रहे थे कि हमारा भारत जो है वो कहां पहुंचा। और फिर आपने सर रिपीट कर दूं कि आपने जो दोबारा बताया कि इसकी दादी जिंदा नहीं थी सर, इसकी दादी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय भारत की, सिर्फ जिंदा नहीं थी, और निश्चित रूप से इंदिरा जी भारत के एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग उनका सम्मान करते हैं। और उसके बाद इनके बाबूजी का दौर आया, कुछ नहीं हो पाया। दरअसल ये खैराती को लगता है कि हमारा आका क्यों नहीं इस कुर्सी पर बैठा हुआ था, उन्हें ये लगा हमारा आका ये जो पप्पू भाई है वो क्यों नहीं बैठा हुआ था, ये पीड़ा है। और मोदी वहीं पर लंका लगाते हैं सर, उन्हीं वहीं पर लंका लगाते हैं, और इसीलिए इस राष्ट्रभक्तों को आनंद आता है कि प्रधानमंत्री बादल से जो है ये समय। अब समझ लीजिए कि सनसनीबाज ना जयपुर में घूम रहा था सर, मुझे पता चला फलाना जगह पे है सनसनीबाज। अब ये जब किसे जूते मार रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कि अच्छा प्रधानमंत्री जो है रोज रोज तो कपड़े बदलते हैं, कभी रिपीट करते देखा क्या? सोचिए इन बेशर्मों को, इससे कोई नहीं पूछ रहा तुम्हारी क्या औकात है इतना महंगा महंगा घर रखे हुए और क्या क्या खेल कर रहे हो। वो देश प्रधानमंत्रियों से देश के सबसे संपन्न राज्य का मुख्यमंत्री है और उसका कोई खर्चा नहीं है, वो कपड़े नहीं बदल सकता। नहीं मनीष जी, बड़े गर्व की बात है, और दर्शकों से कहूंगा कि अपने में सोशल मीडिया पे मांग करिए इनको जलने दीजिए। मैंने कहा ना, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। नरेंद्र मोदी 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं, 100 करोड़ सनातनियों के प्रधानमंत्री हैं, और पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। दुनिया की सबसे महंगी ड्रेस पहने, दुनिया की सबसे महंगी ड्रेस पहने, जो कोई ना पहनता हो देश, दुनिया का प्रधानमंत्री वो पहने, वो जब दुनिया की सबसे महंगी ड्रेस पहनेंगे तो देश का गौरव बढ़ेगा, हर सनातनी का, हर हिंदुस्तानी का गर्व से सीना चौड़ा होगा। इन कुत्तों के भौंकने से कतई कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। सबसे महंगी ड्रेस और बताकर कि ये ड्रेस इतनी महंगी है, और अगर आपको थोड़ा संकोच होता है
तो एक कोष बना दीजिए 140 करोड़, उसमें 20-25 करोड़ वो निकाल देता हूँ, छोटा पजामा बड़ा कुर्ता, हम लोग एक एक रुपया दे देंगे तो 100 करोड़। तो 100 करोड़ की अगर ड्रेस मिलती है तो प्रधानमंत्री मोदी को वो पहननी चाहिए। बिल्कुल। और तब ये बनाते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री इतना महंगा जहाज से उड़ता है, अरे वो दूसरी की देश की दुनिया की सबसे चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति से बन रहा है, और इन खैरातियों को इन्हें मुझे लगता है कि जूते तो मुझे लगता है कि ये जयपुर हाईवे पर जो गाड़ी चलाने वाले को और रोक रोक करके और जितनी बार एक्सीलेटर दबाते उतने जूते मारने चाहिए। अभी मैं सर बहुत दिनों बाद रोड से इतना सफर किया, सचमुच अपना भारत पूरी तरह से बदल गया। क्या शानदार हाईवेज है, हम वीडियो में देखा करते थे कि ऑस्ट्रेलिया में इतना शानदार हाईवेज है कि चारों तरफ ना कोई घर दिखाई दे रही ना कुछ नहीं, बस सिर्फ फर्राटे से भागते हुए राजस्थान बॉर्डर तक पहुंचा। बॉर्डर पे जो क्या बाड़मेर जो मुनाबाव जो बॉर्डर है, 70 साल तक हमारी आर्मी की जिप्सी जाने के लिए सड़क नहीं थी, क्या शानदार सड़क बन रहा है, फर्राटे के साथ आप भाग सकते हैं। इन चिरकुटों को इन बेशरम जब इस गाड़ी से चलते हैं अपनी कार से, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि भारत कैसे बदल रहा है, ये परसेप्शन गढ़ते हैं इनके षड्यंत्र को समझ। इसलिए मैंने अंतिम समय में जोड़ा और मुझे लगा सतीश जी से बेहतर उसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता, इस तेजस पर इस टाटा करने के क्या मायने हैं। क्या मायने? आपकी आखिरी टिप्पणी सर। नहीं, अब आखिरी टिप्पणी की ये जो है माँ मृत्युंजय का जाप शुरू कर दें। 3 तारीख को मौत आने वाली है, 3 दिसंबर को मौत आने वाली है। अपने अपने घर में माँ मृत्युंजय का क्रेसेट लगा लें या जाप कर लें, बहुत बुरी मौत आने वाली है। धन्यवाद, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।